आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड है, पर अब फोकस करेंगे एग्री कमोडिटीज पर, साथ ही साथ रबर इंडस्ट्री की क्या एक्सपेक्टेशंस है इस बार के बजट से, उस पर भी बातचीत करेंगे। हालांकि अगर आप एग्री कमोडिटीज को देखेंगे इस वक्त, तो थोड़ी ही बाइंग हम स्पाइसेस में देख रहे हैं, जहां पर टर्मरिक, कोरिएंडर और जीरे में थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है। एडिबल पैक में काफी मिक्स्ड कारोबार आज के सेशन में भी हो रहा है। लेकिन रबर इंडस्ट्री की अगर बातचीत करें, तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर सवर धनानिया मौजूद हैं। उनसे पूछ लेते हैं उनके विश लिस्ट में क्या क्या शामिल है और क्या एक्सपेक्ट कर रही है इस बार इंडस्ट्री बजट में वित्त मंत्री से। धनानिया जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो आप यही बताइए, लिस्ट तो आई एम श्योर आपकी काफी लंबी होगी, लेकिन टॉप थ्री चीजें जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सुनना चाहते हैं वित्त मंत्री से। देखिए, हम ये चाहते हैं कि सरकार किसानों के लिए बहुत काम कर रही है। रबर इंडस्ट्री में मेजर जो रॉ मटेरियल है हमारा प्राकृतिक रबर, जो नेचुरल रबर बोलते हैं जिसको, वो भी रिमोट एरिया ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर ही पैदा होता है। वहां पर देश के अंदर में लाखों ग्रोवर लगे हुए हैं, उनको भी जो है सरकार की जितनी किसानों की स्कीम है उससे का लाभ उनको मिले, जिससे जो है उनकी भी आय बढ़े। और साथ में ही साथ वो रबर हम जो है इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, तो इंडस्ट्री को भी ज्यादा दाम उसका नहीं पड़े, इसके लिए भी जो है सरकार को सोचना चाहिए। तो सरकार को दोनों तरफ से बैलेंस करके चलना चाहिए। बजट के अंदर में ग्रोथ होनी चाहिए, ग्रोथ होने से ही रबर के प्रोडक्ट जो है वो बनाने के लिए 30,000 से ज्यादा हम अगर आइटम बताएं तो रबर की है, जहां से एक कॉमन आदमी से लेकर, चाहे वो हवाई चप्पल से लेकर, चाहे साइकिल टायर हो उससे लेकर, चाहे गैस जलाने वाली जो ट्यूबिंग है जिसको हम उज्ज्वला योजना सरकार ने जो चलाई है उसके अंदर में भी रबर की ट्यूब लगती है। सरकार बोलती है कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा करे, लेकिन हवाई चप्पल बनाने वालों का भी सरकार को ख्याल रखना चाहिए, ये हम सरकार से आशा करते हैं। ऑफ कोर्स डॉक्टर धनानिया, जैसे बात हुई है बहुत लंबी लिस्ट यहाँ पर होगी, लेकिन तीन चीजों पर आपका व्यू जरूर जानना चाहेंगे। एक तो आपने कहा कि इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, चाहे जो भी चीजें यहाँ पर रबर बनाने में इस्तेमाल होती है। दूसरा, लेबर शॉर्टेजेस और लेबर वेजेस को लेकर रबर इंडस्ट्री काफी समय से बात करती रही है। और तीसरा, क्या आप भी कहेंगे कि इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर घटनी चाहिए शायद इस बजट में रबर के लिहाज से? रबर के लिहाज से इंपोर्ट, बहुत से रॉ मटेरियल ऐसे हैं जिसके अंदर में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में उनके दाम जो है वो आकाश छू गए हैं जी। तो उसको जो है कम करने के लिए, सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी कम करने से हमारी जो है रबर इंडस्ट्री को राहत नहीं मिलेगी। रबर सेक्टर के लिए सरकार को लॉन्ग टर्म एक प्लान करना चाहिए, जिसके करने से ये रबर का सेक्टर एक बहुत क्रिटिकल सेक्टर है, इसके अंदर रोजमर्रा से लेकर हवाई जहाज के टायर तक जो है इनका उत्पादन होता है। हम ऑटो टायर की बात छोड़ दें, साइकिल रिक्शा के टायर या साइकिल के टायर जो है वो हम महिलाओं को, लड़कियों को देते हैं, वो भी है, हवाई चप्पल भी है, मैंने फिर से जो है उनका नाम लिया। तो इनको ध्यान में रखते हुए सरकार को इस सेक्टर को अलग से कोई पैकेज देना चाहिए, जैसे कि सरकार टेक्सटाइल को समझती है, टेक्सटाइल के लिए पैकेज देती है, बहुत बार सरकार जो है लेदर के लिए पैकेज देती है, उसी ढंग से रबर को सरकार को समझकर इसके लिए भी पैकेज की घोषणा होनी चाहिए, जिस पैकेज से नेचुरल रबर को उत्पादन करने वाले ग्रोवर को भी लाभ मिले और हमारी एमएसएमई इंडस्ट्री जो लगी हुई है इस काम में, 5,000 से ज्यादा यूनिट लगी, उनको भी जो है वो इनपुट कॉस्ट जो है उसका भी जो है वो कम पड़े, उसका भी लाभ मिले। बहुत सी इनपुट ये इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर से भी हम ग्रसित है, सरकार को उसको भी देखना चाहिए कि जो है परम है उसको जो है वो हटे। एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा कि काफी लंबी लिस्ट यहाँ पर है, इनपुट कॉस्ट ले लें, लेबर शॉर्टेजेस ले लें और डिफरेंट तरीके के रबर्स, ग्लव्स जो यहाँ पर बनते हैं। और मेजर आपकी बात यही है डॉक्टर धनानिया कि एक लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए यहाँ पर रबर के लिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री ने भी काफी मुसीबतें झेली हैं स्पेशली पिछले कुछ सालों में यहाँ पर। लेकिन बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। ज्ञानशेखर, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल एग्री सेक्टर को? एंड क्लियरली बजट पर तो सबकी निगाह यहाँ पर है ही, लेकिन और क्या फंडामेंटल्स और क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहेगी? देखिए मनीष, एज फार एज एग्री इज कंसर्न्ड, आई थिंक ईच वन हैज इट्स ओन डिफरेंट फंडामेंटल्स, बट वन व्हिच आई एम वेरी क्लोजली वॉचिंग राइट नाउ इज कॉटन। तो उसमें एक ड्यूटी कट आने का चांसेस ज्यादा है, बट एट द सेम टाइम व्हाट द गवर्नमेंट विल डू विद यू नो इलेक्शंस इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम, व्हेदर दे विल इनकर द ड्यूटीज अहेड ऑफ इलेक्शंस और नॉट। But because of that, prices have reached, both international prices and domestic especially, are ruling at, near all-time highs.
तो यहाँ से थोड़ा यू नो वी नीड टू जस्ट रिफ्लेक्ट एंड लुक एट व्हाट इज एक्सपेक्टेड गोइंग फॉरवर्ड. सी कॉटन इज अ कमोडिटी व्हिच इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन डिमांड एंड यू नो विद इन्फ्लेशन राइजिंग दैट डिमांड इज नॉट गोइंग टू बी सीन गोइंग फॉरवर्ड. तो मेरे ख्याल से आगे जाते हुए डिमांड डिस्ट्रक्शन बहुत दिख रहा है कॉटन कमोडिटी में, लेकिन अभी के लिए तो तेजी तो बन रहा है. So clearly, you know, corporates and you know organizations using cotton have to start planning hedging strategies based on this. Otherwise, there will be deep trouble going forward. व्यू आपको मिला है ओवरऑल एग्री कमोडिटीज पर. चलिए शो को समेटने का भी वक्त है. शुक्रिया ज्ञान शेखर और कुणाल आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अपने व्यूज तमाम कमोडिटीज पर देने के लिए. इसी के साथ मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाजत. ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस. मित्र मल्होत्रा के साथ नमस्कार.